Hello everyone, welcome back again to BSP Pharmacy version 2.0. स्वागत है आप लोगों का बेटा BSP Pharmacy में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी पढ़ रहे थे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ में 5 मिनट के प्रोवाइड करा दिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने RGPV का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था और आज हम लोग AKT यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2018-19 बैच का। अब यहाँ पर जो मुद्दे की और मेन बात जो है वो क्या है कि ये पेपर आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप इस पेपर को सोल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कि मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज है वो इसी पेपर पैटर्न को फॉलो करती है, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब पेपर का पैटर्न क्या रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो बेटा देखिए, आपका सेक्शन ए जो रहेगा वहां पर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां पर 10 रहेंगे, 10 के 10 करने कंपलसरी है। जो आपका सेक्शन बी होता है वहां पर आपका एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी 2 करने हैं तो वो सेक्शन भी आपका 20 नंबर का हो जाता है। वहीं पर आपका जो सेक्शन सी आता है उसके अंदर क्या है, किसी किसी यूनिवर्सिटीज में 2 पैटर्न फॉलो होते हैं। कैसे? कि या तो आप लोगों को 7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। मतलब कैसे कि अगर जो आपके 7 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको बेटा 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई भी आपको 5 करने हैं, यानी कि 7 × अगर जो आप 5 करोगे तो 35 नंबर का आपका वो पेपर बन जाएगा। वहीं पर ही जो सेक्शन, अगर जो मैं सी में दूसरे पार्ट की बात करता हूं, अगर जो एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो वहां पर आपको बेटा सेक्शन सी में टोटल 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनमें से कोई 7 करने हैं, तो 5 × 7 यहाँ पर भी 35 नंबर, यानी कि सेक्शन सी आपका 35 नंबर का रहता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर और पुनीत भैया बुलाते हैं, और स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके प्यारे से चैनल BSP फार्मेसी। तो देखिए बेटा जी, अब यहाँ पर अगर जो मैं क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ और इनको सोल्यूशन कैसे लिखेंगे ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जस्ट इसके अंदर कितना आंसर लिखना है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। आयरन के लिमिट टेस्ट में रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व होती है, तो खाली यहाँ पर आपको रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। रिएक्शन लिखिए हमारा आयरन जब किसके साथ में, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो वहां से फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है, बस वो रिएक्शन यहाँ पर लिखनी है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय ORS। ORS क्या है, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट, उसका डेफिनेशन पोर्शन लिखिए यहाँ पर, और कुछ भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, पोटेशियम परमैंगनेट यूज एज एन एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट एक्ट्स थ्रू विच मैकेनिज्म। अब वो एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट के तौर पर यूज हो रहा है पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, तो वहां पर यहाँ पर आप लोगों को वो चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, व्हाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। देखो, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में जब हम लोग क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ में करते हैं बेटा, हमारे सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो वहां पर बेटा हमारा क्या है, किसकी प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होती है, डाइल्यूट HNO3 यानी कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। तो क्वेश्चन पूछा गया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस क्यों लेते हैं, सारी चीजें बताई हुई आप लोगों को जब मैंने क्लासेस ली थी A to Z, सब कुछ बताया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाई प्रोविडोन आयोडीन प्रीफर्ड ओवर आयोडीन एज एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। आयोडीन को एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट के तौर पर क्यों यूज किया जाता है, यहाँ पर आप लोग यूजेस भी लिख सकते हो आपका आयोडीन का, जो मैंने एंटी माइक्रोबियल यूनिट नंबर 3 के अंदर आप लोगों को पढ़ाया था। आगे देखिए, डिफाइन द टर्म एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, है ना, 3 यूनिट से क्वेश्चन है, सिंपल डेफिनेशन लिखनी है एसिडिफाइंग एजेंट यानी एसिडिफायर्स की आपको यहाँ पर। आगे देखिए, डिफाइन हेमेटेनिक्स विद एग्जाम्पल, हेमेटेनिक्स के बारे में बताना है, और जो हमारे सिलेबस में 2 एग्जाम्पल दिए हैं वो लिख देने हैं, बस बात खत्म, इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन मत करने रहना। ठीक है, गिव द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, हमारा भैया क्या है जो सिलेबस में दिया, क्या सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट और हमारा ORS। तो आप लोग यहाँ पर खाली नाम लिख सकते हैं, अगर जो आपको इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी की डेफिनेशन में लिखने 3 से 4 लाइन की, तो वो भी लिख करके तब नाम लिख सकते हैं, खाली नाम भी लिख करके छोड़ सकते हैं। डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विद एग्जाम्पल, एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं उन्हें बताना है एग्जाम्पल के साथ में। अब एग्जाम्पल भाई वही दोनों लिख दो अपना, पोटेशियम आयोडाइड और क्या है अमोनियम क्लोराइड वाला, बात खत्म हो गई।
give disadvantages of systemic antacid. Systemic antacid का disadvantages क्या होते हैं भाई, वो ideal properties को follow नहीं करते, ideal properties का just उल्टा करके दिख दो, वो सब उसके क्या हो जाएंगे, disadvantages हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया, सेक्शन नंबर बी अपना क्या है कि देखो मैंने बोला था ना कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, कोई भी दो करने रहेंगे, है ना, ये लिखा अटेम्प एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इन तीन में से कोई भी दो करने। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा, व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट, गिव प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 के बारे में पूछ लिया। हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या है, आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में बताना है और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स के बारे में बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इन तीनों पोर्शन में आपको जितना पता है सब कुछ लिख दीजिएगा, पर हाँ 10 नंबर का क्वेश्चन बेटा आपका 4 पेज से ज्यादा और 5 पेज तक का होना चाहिए, इससे ज्यादा का आप मत लिखिएगा, बिना बात के टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राइट इन डिटेल अबाउट वेरियस टेक्निक यूज इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस विद सूटेबल डायग्राम, जो हमारा रेडियो एक्टिविटी रहती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का बेटा क्या है, हम लोग डिटेक्शन कर रहे हैं, तो आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल यूनिट नंबर 5 में से आपका क्वेश्चन आया है, जहां पर आपके डिटेक्टर्स सारी चीजें मैंने 5 से 6 डिटेक्टर्स के बारे में क्लासेस में बताया भी था, वो सभी के सभी आप लोगों को यहाँ पर लिख देने। आप लोगों को यहाँ पर क्या है, रेडियो फार्मास्यूटिकल की डेफिनेशन लिख देना, ओके बेटा, रेडियो आइसोटोप के बारे में लिख देना और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की डेफिनेशन, दो दो लाइन की डेफिनेशन है, ये भी लिख देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, गिव द प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एनी 4। अभी देखिए 5 दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी 4 के लिखने हैं। ठीक है, देखिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट। अब इनमें से कोई भी 4 आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिए, उनकी रिएक्शन और उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको लिखना है, बस इतनी बात लिखनी है। अब 4 आप क्या है, एक के लिए एक पेज भी लिखोगे मैं बोलता हूँ तो 4 के लिए 4 पेज तो आराम से बन जाएगा मैटर, जबकि आपको रिएक्शन मेथड प्रिपरेशन सारी चीजें लिखनी है। ठीक है जी, सेक्शन नंबर बी भी क्लियर हो गया। अब देखिए सेक्शन नंबर सी में हम लोग चलते हैं और सेक्शन नंबर सी में आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो बेटा देखिए यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिए जो मैं आपको बता रहा था। अब AKTU क्या करने लगा है कि 7 क्वेश्चन देने लगा है, कोई 5 करने रहते हैं, पहले 9 क्वेश्चन देता था AKTU भी और कोई भी क्या है 7 करने होते थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन, डिस्कस प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट से 5 नंबर में क्वेश्चन आया है, पूरा आर्सेनिक का प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रिएक्शन प्रिंसिपल वाली, है ना, और उसका ऑब्जर्वेशन सब कुछ लिख देना। अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस सोर्सेज ऑफ इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटीज के सोर्सेज का क्वेश्चन आया है, तो आप लोग यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन भी लिखना, इंप्यूरिटीज का इंट्रोडक्शन भी लिखना, उसके टाइप्स के बारे में भी लिखना और फिर उसके सोर्सेज को एक्सप्लेन करना। ठीक है, फिर उसके सोर्सेज को एक्सप्लेन करना। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस विद सूटेबल डायग्राम। हमें क्या है, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के बारे में बताना है, तो यहाँ पर आप लोग क्या एसिडोसिस के बारे में लिखोगे, एल्कलोसिस के बारे में लिखोगे, वो पीएच वाला डायग्राम बनाओगे पूरा का पूरा, एसिडोसिस वर्सेस या फिर क्या है डिफरेंस बिटवीन एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस के बारे में लिखोगे, और बफर सिस्टम हमारे जो यूज होते हैं, है ना, हमारे फॉस्फेट बफर सिस्टम, है ना, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ये सब जो बफर सिस्टम है अपने, इनमें से कोई भी एक बफर सिस्टम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, नाम सबके लिख दीजिएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब डेंट्रीफाइसिस विद सूटेबल एग्जांपल। डेंट्रीफाइसिस डेंटल प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ गया, अब डेंट्रीफाइसिस को आप एक्सप्लेन कीजिए और एग्जांपल के साथ में आप लोगों को यहाँ पर क्या है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटा एसिड। एंटा एसिड्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, मैंने आपको बोला था कि आपको सेक्शन बी या सेक्शन सी में से एक जगह एंटा एसिड जरूर देखने को मिलेगा। आ गया, एंटा एसिड के ऊपर बेसिक इंट्रोडक्शन लिखिए एंटा एसिड का, उसके आइडियल प्रॉपर्टीज लिखिए एंटा एसिड का क्या है, फिर थोड़ा सा क्या है क्लासिफिकेशन के बारे में लिख दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड लिख दीजिए, इतना 5 नंबर में मोर देन सफिशियंट रहेगा। गिव क्लासिफिकेशन ऑफ कैथार्टिक्स विद सूटेबल एग्जांपल। क्या है कैथार्टिक्स का क्या है क्लासिफिकेशन बताना एग्जांपल के साथ में, तो पहले कैथार्टिक्स के बारे में लिखिए, फिर कैथार्टिक्स का क्लासिफिकेशन क्या, लक्सरेटिव पर्गेटिव, फिर लक्सरेटिव के दो टाइप, पर्गेटिव के दो टाइप और उनके एग्जांपल्स और उनको एक्सप्लेन करते जाइए, तो 5 नंबर का मैटर आपके सामने बन जाएगा। ओके जी, चलिए आगे, डिफाइन एस्ट्रिंजेंट गिव प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ जिंक सल्फेट।
ZnSO4 के बारे में पूछ लिया स्पेसिफिकली, तो ZnSO4 को तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और एस्ट्रिंजेंट की यहाँ पर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा और कुछ जो उसके क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन हमारा क्या है, हमारा प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को बताना है, किसके, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन के बारे में, है ना। अल्फा पार्टिकल सिंगल शीट ऑफ पेपर को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, बीटा पार्टिकल 8000 टाइम्स स्मॉलर रहता है इस गट पे, तो अल्फा पार्टिकल वो इजिली पेपर की शीट को पेनिट्रेट कर जाते हैं, गामा पार्टिकल्स क्या है हमारा वेव लाइक मोशन में मूव करते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पूरे अल्फा बीटा गामा तीनों के बारे में लिखना है, डायग्राम्स भी बनाना है। ठीक है, डायग्राम जो मैंने आपको बनवाया था, क्या है कौन सा वाला डायग्राम बनवाया था मैंने आप लोगों को, जस्ट अ सेकंड, वो जो सिंगल शीट ऑफ पेपर लगी हुई थी हमारी, फिर हमारे क्या है एल्यूमिनियम की शीट लगी थी और लास्ट में हमारी किसकी शीट लगी थी, लेड की। अल्फा पार्टिकल्स आए रुक गए, बीटा पार्टिकल्स का इसको पेनिट्रेट करके यहाँ पर रुके और गामा पार्टिकल्स का इसको भी पेनिट्रेट करके, इसको भी पेनिट्रेट करके और यहाँ पर आकर के रुके और गामा पार्टिकल्स हमारे क्या है वेव लाइक मोशन में मूव करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना सकते हो, मैंने रफली बनाया है, आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। आगे बात करते हैं हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटीडोट विद सुटेबल एग्जांपल, हमें क्या है एंटीडोट्स के बारे में बताना है, पॉइजन एंड एंटीडोट यूनिट नंबर 4th का क्वेश्चन है, 4th का टॉपिक एंटीडोट्स और उसका कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पर आप लीजिएगा और उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, एक्टिवेटेड चाल गोली ले लीजिएगा उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो ये आपका बेटा पूरा का पूरा पेपर है 2018-19 बैच का, 2018-19 बैच का आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का क्या हो गया बेटा, पूरा AKTU का पेपर आप लोगों का एक सेट डिस्कस हो गया, और AKTU नहीं बोलूंगा हर एक यूनिवर्सिटी का। तो बेटा आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो और आप लोगों अगर जो कोई भी कंटेंट सारी चीजें क्या है BSc फार्मेसी का आपके एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर अवेलेबल है तो जस्ट जाइए विजिट कीजिए और अपने कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर है, वहां से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और ये PDF में क्या है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर के फॉलो कर लो। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से बेटा ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और अच्छे लेक्चर में, है ना। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, और याद रखिएगा इस बार 90 पार। बाय बाय बच्चों।